तो गाइस मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस पर 41 व्यूज़ आए थे और ये 41 व्यूज़ भी मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। 41 व्यूज़ कम से कम मेरे सब्सक्राइबर के अनुसार तो मेरे पास व्यूज़ आए, लेकिन क्या है कि आप जो मेरी जो ये जो पुरानी सीरीज़ है जिसका नाम पोकेमोन ईपी है, इसके रिकॉर्डिंग आप कोई सा भी अच्छा सा मोटिवेट नहीं दे रहे, यानी बढ़ावा नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों, क्या आपको यह सीरीज पसंद नहीं आ रही है क्या, या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। गई आप कमेंट करते नहीं हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आप कमेंट कर दिया करो, चाहे कुछ भी कमेंट कर दिया करो, चाहे एक दो गिनती लिख दिया करो, लेकिन करा करो गाइस। इससे क्या होता है कि इससे जो आगे जो मेरी वीडियोस है ना उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा, यानी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप करते ही नहीं हो। पता नहीं मेरा साथ मतलब कि आप दे भी रहे हो कि नहीं, ये भी नहीं पता भी मेरे को, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता जा रहा हूँ। कभी ना कभी तो शायद आपको एहसास हो जाए कि बंदे में कुछ बात है। तो और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ चीज़ जो यानी आपको मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम वगैरह दिखे तो मेरे को प्लीज़ बताना, कमेंट करा करो मेरे को। कभी कम से कम कमेंट करने से मेरे को थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ भाई है, मेरी भी ऑडियंस है, थोड़ी बहुत है, उनके लिए मैं काम करूँ। तो मैं जो ये वीडियो जब मैं अगर कोई मेरा व्यू मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा ऑडियंस देखती नहीं है, थोड़ी बहुत ऑडियंस देखती है, यानी चुटकी भरी मान लो इतनी छोटी यानी छोटी सी ऑडियंस देखती है, लेकिन मैं उनके लिए भी वीडियो बनाता हूँ। फिर भी आप वीडियो को ना लाइक करते हो ना इसके ऊपर कमेंट करते हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करो यार गाइस, इतनी सारी बात। और मैं आज ये इंट्रो से पहले मैं ये सब बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इंट्रो सुनते हो फिर स्किप कर करके, मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मुझे पता है स्किप करके आप ज़्यादातर स्किप करके ही वीडियो देखते होंगे, ऐसे तो आप देखते नहीं होंगे। तो यही बात मुझे करनी थी आज, इसलिए मैं इंट्रो से पहले ये सब बातें बोल दी हूँ। तो आप पहले ये सब बातें सुन लो, फिर उसके बाद आप वीडियो आगे देखो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, होपफुली एकदम बढ़िया होंगे। पोके वाइल्ड गेमिंग में आपका स्वागत है। तो आज अपन खेल रहे हैं पोकेमोन ईपी और अपन आ चुके हैं नेक्स्ट सिटी में। इसका नाम क्या है, और वैसे भी इसकी भाषा ही कुछ अलग है तो इसका नाम ज़्यादा पता नहीं। और आज अपन करने वाले शायद से जिम बैटल हो जाएगा तो देख लेंगे, लेकिन आज पहले सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जिम बैटल करूँ या फिर इसके अंदर जाने का सोच रहा हूँ। मैं हट रहे यहाँ से, ए झिंगे हट। तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि ये जो मॉल टाइप बना हुआ है जो भी है इसके अंदर जाके आऊँ मैं, जाना नहीं था जाके आना था, मतलब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के इसको एक्सप्लोर करता हूँ और फिर देखते हैं अपन शायद जिम बैटल भी कर लें। तो यहाँ से तो ज़्यादा ओके, तो यहाँ पे कुछ शायद टूर्नामेंट वगैरह या फिर इवेंट वगैरह हो रहा होगा, चलो पार्टिसिपेट करके देखते पहले। तो यहाँ पे ये पतली कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, शायद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। भर दो हमारे फॉर्म भर दो, हम फॉर्म भर लेंगे, हम तो आराम से भरेंगे, कोई मतलब कि दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ओके, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने दें, ये क्या है ओके। तो ये तो कुछ कर नहीं रहा, ये कुछ कर दे तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं वैसे भी ओके। तो यहाँ पे ये अपन को सेलेक्ट करवा रहा है पोकेमोन, तो मैं सबसे पहले के साथ जाऊँगा क्योंकि के मेरा सबसे बेहतरीन पोकेमोन है अभी तक का, अभी तक इसी ने मुझे जितवा है सभी बैटल्स वगैरह। तो मे बी कि आगे ओके, यहाँ पे एक बैटल्स टूर्नामेंट है तो मे बी कि यही मेरे को जितवा है, तो क्या मैं आगे जाऊँ ओके बढ़िया। तो यहाँ पर हो चुकी है टूर्नामेंट बैटल ओके। तो यहाँ पे पता नहीं क्या मतलब यहाँ पे कोई टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है गाइस, और अपन उसमें पार्टिसिपेट के लिए मुझे पता भी नहीं है कोई टूर्नामेंट ओके ओके बढ़िया। इसको तो ये अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे पोकेमोन को भी। और है ये अपना ही है शायद, के शायद अपना ही होना चाहिए के ओके। किसके सबसे ज़्यादा पॉइंट है ओके, मैं कौन सा अटैक करूँ, ये वाला अटैक करते हैं ओके। ये तो कर रहा है ओके, क्विक अटैक कर रहा है, देखो ऑडियंस को ओके अपना करो, ये करो ऐसे ऐसे, क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है यार, मुझे टूर्नामेंट खेलना है ओके। एक सेकेंड, मतलब कि ग्राउंडलेट ओके, ग्राउंडलेट के एक साथ चार पॉइंट मिले,
ओके चार ही मेरे को मिले हैं। ओके अब मैं कौन सा अटैक, मैं डबल किक इस्तेमाल करूँगा। ठीक है देखते डबल किक से कितने पॉइंट मिलते हैं अपन को, इसको कितने मिले बंदे को। ओके इसको कुछ ही पॉइंट नहीं मिला अपने डबल किक को, तो मिलना चाहिए डबल किक स्टाइलिश होती है। ये मुझे पता था शायद जीतेंगे। अब क्या करें, ये कौन सा अटैक है ये करके देख लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत। ओके ये फायर टाइप अटैक मूव इस्तेमाल कर रहा है और इसको मिलेंगे डायरेक्ट 8 पॉइंट मिल गए यार। प्लीज़ कुछ तो करना है अपन को भी करना। ओके 8-8 दोनों डाय। ओके फिफ्थ राउंड में मैं डबल किक के साथ जाता हूँ, बस मे बी कि जीत जाए। ये ग्राउंड टाइप मूव इस्तेमाल कर रहा है गाइस। ओके इसके कोई पॉइंट नहीं। ओके मैं डबल की मैं फाइटिंग टाइप मूव इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बोल रहे हैं आप, तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि वो फायर टाइप की इस टाइप के पोकेमोन के इस्तेमाल कर रहा है, वो तो आराम से आपको पता चल जाता है। देखो देखो तो यहाँ पे विजेता है अपना के, मुझे पता ही है पहले जिताता ये हर जगह जिताता है अपन को। ओके यहाँ का तो स्क्रीनशॉट लेना बनता ही है गाइस, तो थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले लेता। ओके स्क्रीनशॉट मैं बाद में ले लूँगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आज तो थंबनेल में यही काम आएगा। ओके दोबारा एक और चैलेंजर आया अपने साथ में, तो आज तो मैं इसके अंदर मौज मस्ती करने वाला हूँ इस एपिसोड के अंदर आराम से। होगा तो जिम बैटल भी कर ही लेंगे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे अब तो, पहली बार में तो ऐसे ही कर लिए थे। ठीक है ओके इसको तो ओके बढ़िया, किसके पॉइंट मिले। ओके इसको 2 पॉइंट मेरे को 2 पॉइंट। ओके इसको फिर से ये फ्लाइंग टाइप मूव इस्तेमाल कर रहा है। ओके मेरे ओके दोनों सेम टाइप मूव इस्तेमाल कर, मैं डबल किक के साथ जाता हूँ और ये मेरे को 4 पॉइंट मिले। फिर मैं इसके साथ ब्रिथ के साथ जाता हूँ। ओके फिर से मैं डबल किक के साथ आता हूँ। ओके मेरे भी बराबर पॉइंट होने चाहिए मेरे ख्याल से, 7-7 पॉइंट हो चुके हैं। ये क्या हो गया भाई, तो एक राउंड मैंने जीता और एक राउंड उसने जीता, तो तुम भी अब मुझे जाने दोगे क्या फटाफट से देखने दो। ओके ये तो बस बोला जा रहा है फटाफट से इसे निपटाते हुए हटो। चलो ठीक है यहाँ से मैं निकल गया, तो ये ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस एक कॉम्पिटिशन वगैरह था जिसको अपन ने एक पॉइंट अपन ने जीता एक पॉइंट उसने जीता, यही था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। चलो यहाँ से चलते हैं, अपने पोकेमोन को तो वैसे भी हील की जरूरत, हीलिंग की अभी तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खास। चलो अंदर चलते हैं फटाफट से, करते इसको एक्सप्लोर। ओके अंदर कुछ है क्या, कुछ तो मिलेगा नहीं, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है इधर एक लड़की खड़ी है यार, इधर लड़की नहीं थी पहले, ये लड़कियाँ क्या कर रही है। ओके ये भी कुछ ज़्यादा कह नहीं रही है। ओके यहाँ पे अंदर चलते हैं अंदर। ओके ये बंदा बैठा इससे बात करते हैं, ये भी कुछ नहीं कह रहा, आप कुछ कहोगे क्या, आप भी कुछ नहीं कह रहे। चलो बाहर चलते हैं, ये डॉक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई जिम विम है तो बताओ यार, जिम बैटल कर ले आज की जी, इसके अंदर जल्दी जल्दी गेम कंप्लीट करें यार, कोई एक्सेल गेम सीरीज स्टार्ट की उसको भी स्टार्ट करना है। और हाँ गाइस मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मैं सोच रहा था, अच्छा ये तो इधर की साइड ही आता है, ये वाला घर ले गया था, तो इसको भी जरा सा कर ही लेते एक्सप्लोर। ओके यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये भी कुछ ज़्यादा खास बोलना नहीं चाह रहा, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि क्या मैं पोकेमोन फायर रेड भी खेलूँ गाइस, आप बताना मेरे कमेंट सेक्शन में पोकेमोन फायर रेड खेलूँ कि नहीं खेलूँ, आप बताते ही नहीं हो। अगर मैं पोकेमोन फायर एक मिनट यहाँ पे कुछ इधर से आया था क्या, मैं एक मिनट गई थी इधर से तो नहीं आया था, मैं शायद से इधर से आया नहीं था, मैं आया किधर से था मेरे को ही नहीं पता। वाओ ठीक है इधर से तो शायद मैं आया था, ये समझ लो एक मिनट के लिए सोच लेता हूँ मैं, या फिर शायद मैं इधर से आया था, एक सेकंड किधर से आया था मैं समझ में नहीं आ रहा। ओके इधर से तो नहीं आया था ना, नहीं नहीं इधर से तो नहीं आया था, इधर से किधर से कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकलता ही है ना। ओके पोके सेंटर ऊपर की साइड है, तो यहाँ से चलते निकलते। ओके यहाँ से तो शायद मेरे को इधर जाना था, लेकिन इधर ही है। ओके ये कुछ टाउन था है, यहाँ से बात बात करते हैं। ओके ये बैटल कर रहा है तो अपन भी कर ही लेते हैं,
वाइट अटैक इस्तेमाल करते हैं फटाफट से। यार इसको स्लीपिंग पाउडर कैसे आता है? ओके बढ़िया, अपने मेरा के बहुत पावरफुल है अभी, अगर मैं उसको निकाल दिया तो अच्छा, तो मैं उसको निकाल लेते। चलो अपने हुक्म के तुक्के इक्के को निकालते हैं और ये करते हैं अपन इसको ट्रन और ख़त्म। अरे हमसे लड़ोगे क्या? पता नहीं क्या है लेकिन है कुछ ना कुछ तो। ये कि मेरे को सारों को हराना है, कितने कहीं है? ओके बहुत सारे गाइस, इन सबको हराना है। मैं इसको तो हरा चुका हूँ, मैं फटाफट से इन सबको हराता हूँ, क्यों आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को सबको हरा के आपको फटाफट से मिलता हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली अपन ने इन सारी महिलाओं को अपन ने हरा दिया है, और इस दद्दू से अपन पिछली बार बात नहीं कर रहे थे तो इस दद्दू से बात कर लेते हैं फटाफट से। ओके मैंने हरा दिया है तो यार इनको यार फिर से एक बार इन सब से बात कर लेते हैं। इससे बात कर लिया, इससे भी बात कर लिया, इससे भी बात कर लिया, इससे भी बात कर लिया। ओके इससे भी बात कर लिया हूँ मैं। ओके और अब आपसे भी बात कर ली, मैंने लगभग लगभग सबसे बात कर लिया। यहाँ पे तो जो कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं है, कोई टावर सा था, कुछ काम का नहीं निकला ये टावर वैसे तो। मैं सही बताऊँ अब जाना किधर है, मैं ये सोच में पड़ रही। दद्दी अम्मा से पूछ लेते, दद्दी अम्मा कहीं जाना है क्या, या फिर मैं एक बार बैग खोल के चेक कर लूँ मैप में कि कहाँ जाना है, मैप कहाँ हो सकता है। ये रहा मैप। ओके अपन यहाँ है और अपन को इधर से इधर जाना है। ओके अपन को यहाँ जाना है शायद, और अपन है अभी इधर की साइड, तो अपन को नीचे जाना है पहले। चलो तो नीचे चलते हैं फटाफट से, यहाँ पे कहीं रहा। ओके अभी देखता हूँ मैं कहाँ जाना है मेरे को वापस से। सही रास्ते पे तो आ गया हूँ ना मैं अभी, मुझे पहले रास्ता चेक करना पड़ेगा वापस से। ओके वापस चलते हैं फटाफट से पीछे की साइड, इधर का तो काम मेरे को लगता है कंप्लीट हो चुका है। ओके नहीं चाहिए मेरे को कोई भी गोस्ट टाइप पोकेमोन, बाहर निकल गए यहाँ से। ओके यहाँ यहीं से आए थे ना अपन, तो यहाँ से वापस चलते हैं। रूट नंबर 25 पे तो कुछ था नहीं, अब देखते हैं कहाँ जाना है। बस सही जगह आ गए हैं अपन। ओके बढ़िया सही जगह आ चुके हैं, ऊपर चलते हैं। तो मेरे को लगता है अपन को कहाँ से जान, यहाँ से तो अपन आए ही थे, फिर भी एक बार चल रहे लेते हैं। यहाँ से आए थे क्या, देख चेक कर। हाँ यहीं से आए थे शायद अपन, यहाँ से निकलते फटाफट से। ऊपर जाने कोई रास्ता नहीं है गाइस, मैं ऊपर चेक करना चाहता हूँ कि ऊपर क्या है। यहाँ से कहीं से तो रास्ता होगा ही ऊपर जाने का। ओके पहले यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके ऊपर चलते हैं, सही रास्ते पे तो है ना अपन, मेरे को तो लग भी नहीं रहा मैं सही रास्ते पे हूँ। देखना पड़ेगा मेरे को, बार बार मैप खोलना पड़ेगा गाइस। ओके अपन सही रास्ते पे, लेकिन अपन पीछे जा रहे हैं, आगे चलते हैं अपन। है तो सही रास्ते पे अपन, लेकिन इधर ही चलना है अपन को। तो अपन को यहाँ से ऐसे निकलना है पहले तो। ओके यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, पहले यहीं कहीं एक और रास्ता होगा गाइस, इतना तो मेरे को पता है यहाँ से एक और रास्ता है। यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर चलना है मेरे को ऊपर ऊपर। ओके यहाँ से कहीं जाना है, अब कहाँ जाना है? यहाँ से चलते सीधा सीधा। अरे धीरे धीरे चल, पहले रास्ता ढूंढना, यहीं कहीं रास्ता गाइस, पता नहीं कहाँ पे है। ओके यहाँ, ओके ओके तो गाइस यहाँ पे मिल चुका है मेरे को एक पोकेमोन, जिसका नाम भी अभी है, और इस पोकेमोन को तो मैं रखने वाला हूँ गाइस, और इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को 10 बार सेव कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको पकड़ूंगा गाइस, क्योंकि ये पोकेमोन मेरा वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन बन सकता है। अरे भाई इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? अरे यार इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा ये अटैक। पॉइजन मत होना, पॉइजन मत होना। ओके मैं जल्दी जल्दी ये वाला अटैक कर लेता हूँ। ओके बढ़िया,
अब मेरे को ये मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता गाइस। ग्रेट बॉल इस्तेमाल करते हैं, एक बार में आ जाए तो बढ़िया, ज़्यादा नाटक मत करना, बस ज़्यादा नाटक नहीं, एक बार में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, ये थोड़ा सा नोटिंग के बाद है हमारा एप्सोल, एक बार और ट्राई करते हैं इसको। ओके नाइट हो गई, सो जा बच्चा, नहीं सोएगा, ये डार्क टाइप पोकेमोन रह गया ना गाइस, तो ये सोएगा इतनी आसानी से नहीं। तो मैं इसको चेंज करूँगा, मैं बताऊँ कौन सा पोकेमोन को, उस बग टाइप पोकेमोन को शायद मैं हटा दूँगा, इसको रख लूँगा कट के लिए, शायद कट अटैक तो आता ही होगा, इसको कट अटैक सिखा देंगे, एक अटैक में क्या जा रहा है। प्लीज़ आ जा यार, आ जा, अरे यार आ जाना, अरे आ जा, ओह शिट गाइस अभी भी नहीं आएगा तो। ओके नहीं आ रहा, मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ। तो गाइस अब की बार मैं केक को निकाल लिया क्योंकि इससे 20 लेवल ज़्यादा आगे, तो मे बी कि अब पकड़ में आ जाए, पावरफुल पोकेमोन सामने खड़ा हो तो। अरे यार पकड़ में आ जा, क्यों दिमाग का दही करने वाला है, पकड़ में आ जा झींगे यार। गाइस से पकड़ में ही नहीं आ रहा, बताओ हद हो गई, मैं इसको पकड़ के दम लूँगा गाइस अब की बार तो। तो फाइनली गाइस कम से कम 5 मिनट की मेहनत के बाद अपने पास आ चुका है एप्सोल, और मैं इसको अपनी टीम में रखूँगा, लेकिन अभी तो ये पीसी में जाएगा क्योंकि अभी मेरी टीम पूरी फुल है, और यहाँ पे नाइट हो गई। देखो मैं दिन में पकड़ना चाहता था और ये रात हो चुकी है यहाँ पे, शायद मैं इधर से गया था ना, इधर से तो मैं गया ही नहीं। ओके इधर से शायद मैं आया था, मेरे ख्याल से मैं आया था, नहीं गाइस यार इधर से मैं आया नहीं था यार, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। ओके इधर से तो आया था यार गाइस, यहाँ से तो निकला था, अपन निकले थे कैसे जैसे करके, यहाँ से वापस नहीं फंसेंगे, यहाँ से चलते पहले फटाफट से आगे। और यहाँ पे अरे यार कहाँ जाना है आखिर, ओके आगे से घूम के आना पड़ेगा अपन को उधर की साइड, सही रास्ते पे है तो है आपकी बार, तो आपकी बार भटकेंगे नहीं बिल्कुल भी। ओके यहाँ पे एक बंदा है, ये शायद अपन को फिशिंग रॉप देगा दोबारा, तो अपन लेंगे क्यों नहीं फिशिंग रॉप। ओके क्लोज कॉम्बैट में गया, ओके अब अपन को पोकेमोन चेंज कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, के को निकालते बाहर, के करेगा अपना डिगटेक, और डिगटेक में खात में। ओके इस बंदे ने तो कुछ दिया नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। ओके यहाँ पे खड़ा है अपना शायद राइवल, कौन है ये, मेस्टी पता नाम थोड़ा बहुत समझ में, अमित और मेस्टी के बीच बातें हो रही है भाई साहब, काफ़ी लंबा एपिसोड भी बन जाएगा ये देखना, मैं छोटा एपिसोड बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन गाइस बड़ा बन जाता है, तो चलो कोई ना बड़ा बन जाता, थोड़ी सी फास्ट फास्ट बातें कर लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं आगे। ओके अभी तो गाइस मेरे दोनों पोकेमोन ऐसे हो रहे हैं कि दोनों पोकेमोन एकदम तुरके इक्के हैं मेरे, मतलब कि कैसे समझाऊं, अरे यार ऊपर से जाता तो ये पोकेबॉल कैसे लेता। चलो छोड़ो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो मैं इसमें तो बाद में चलेंगे, पहले अंदर ही चलते हैं, आखिरकार कुछ तो मिलेगा। एक मिनट यहाँ फिर टेलो, यहाँ पैसे कैसे हो रखे हैं, चलो तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा। ओके यहाँ पर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन मिल सकता है गाइस, यहाँ से मेरी बेस्ट टीम बन सकती है मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा। ग्लाइस्कोर अच्छे पोकेमोन है, लेकिन यार मेरे पास तो पोकेमोन ही नहीं है, तो मैं फटाफट से पहले तो अपने जो पोकेबॉल है वो लेकर आता हूँ, और बाद में मैं यहाँ से बाद में आके जाऊँगा, पहले पोकेमोन पोकेबॉल वगैरह खरीदेंगे, पोकेबॉल बिल्कुल भी नहीं है बस नेक्स्ट सिटी में। ओके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वापस उसी सिटी में आ गया जिस सिटी से मैं, नहीं यार क्या मैं इस सिटी से करा था क्या, एक्सप्लोर करा था क्या मैं इस सिटी, नहीं यार ये नई सिटी है गाइस मेरे ख्याल से। ओके बढ़िया, नई न्यू सिटी में अपन एंटर हो चुके हैं, ऐसे जैसे करके हो तो गया ना, चलो तो न्यू सिटी में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं हील करवाता हूँ, तो मैं अपने पोकेमोन को हील करवा चुका हूँ, और यहाँ से चलते इधर पीछे की साइड, तो पीछे कुछ। ओके इधर एक पोकेबॉल है, पहले पोकेबॉल उठाते हैं। ओके सिटी 12 मिला है मेरे को, ये कौन सा पोकेमोन है, अच्छा पोकेमोन ही है ये, मैं ढूंढ रहा हूँ गाइस अभी तो मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ। ओके ये भाई साहब दरवाजे के पास क्या कर रहे हैं, ओके ये मेरा इंतज़ार कर रहा था। ओके तो इसके अंदर टीम रॉकेट है गाइस, अरे यार इस टीम रॉकेट को हम अगले एपिसोड में चेक करेंगे, पहले तो मुझे ओके इसके अंदर टीम रॉकेट का अड्डा है गाइस ये, लेकिन मैं टीम रॉकेट को बाद में चेक इट आउट करूँगा, पहले मुझे
पोकेमोन कैच करने हैं अभी, और अगर मैं हो सके। ओके यहाँ पे पोकेमार्ट है यार। ओके तो यार अब मुझे टीम रॉकेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, उनको मसलने के लिए ऑलवेज रेडी। लेकिन था कहाँ, कौन सा था, यही था ना, हाँ ये रहा। चलो चलते हैं अंदर, और पहले मैं अपनी टीम थोड़ी सी सेट कर लूँ। मेरे टीम रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे पास सिर्फ ओके इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करेंगे। मैं इसको नीचे इसलिए कर रहा हूँ कि नहीं, मैं गलत कैसे कर रहा हूँ इसको। ओके के नहीं हो पा रहा, अच्छा हो रहा यार, ठीक है एक बार यार फिर से थोड़ी सी मैं टीम सेट कर रहा हूँ गाइस। मुझे पता है मेरी एक ही टीम सबको हरा देगी, दोनों की, एक तो मेरा इंफोनेब और एक मेरा के, वो दोनों टीम रॉकेट को हरा देगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं नीचे, मुझे 2 मिनट के अंदर टीम रॉकेट को हराना है। ओके यहाँ पे चलते हैं। ओके यहाँ से ओके यहाँ से टीम रॉकेट का अड्डा। एक मिनट, टीम रॉकेट को के हैं अंदर जाने ही नहीं दे रहे गाइस, आखिर कहाँ है टीम रॉकेट। तो यहाँ से मुझे टीम रॉकेट नहीं अंदर जाने दे रही, कहाँ से अब कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा मेरे को। टीम रॉकेट मेरे को एक्सप्लोरेशन, चलो छोड़ो गाइस, मैं अगले एपिसोड में करूँगा टीम रॉकेट का खात्मा। तो लेकिन इस आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते, जितना छोटा एपिसोड उतना अगले का अगला एपिसोड बनेगा फटाफट से। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना, और वीडियो कर लेना लाइक, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।